नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में काले घने बादल छा गए, दोपहर में ही अंधेरा छा गया। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने लगी है। बादल और बारिश के कारण तापमान भी नीचे आना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी हल्की बारिश होगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है। काले बादलों से दिन में ही अंधेरा छा गया। और मेरी सहयोगी श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधा दिल्ली से। श्रेया, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है, मौसम भी सुहाना हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम अभी सेंट्रल दिल्ली के जो मंडी हाउस सर्किल वहाँ पे मौजूद है और आप मौसम देख सकते हैं। ये ही छवि करीबन एक घंटे से है और बहुत ही जोर से बरस रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि आसपास की जो सड़कें हैं उसमें थोड़ी वाटर लॉगिंग भी शुरू हो गई है, जो दिल्ली की प्रॉब्लम है। एक घंटे से ऐसा मौसम है और ना कि सिर्फ केवल दिल्ली में, नोएडा में, हालांकि पूरे एनसीआर रीजन में बादल छाए हुए हैं और ऐसे भारी बरसात अभी जारी है। और कहा जा रहा है कि आज पूरा दिन शायद ऐसा ही रहेगा, बारिश चलती रहेगी करीबन सोमवार तक। मौसम विभाग से यही खबर आई है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी रहेगी, लेकिन आज का जो मौसम है वो भारी बरसात जारी रहेगी। करीबन एक घंटे से ये हाल है। हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद है और आप जो देख रहे हैं, बादल अभी भी पूरी काली तरीके से छाई हुई है और पूरी बरसात, एकदम भारी बरसात अभी भी चल रही है। जी, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट श्रेया दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आज छुट्टी का दिन है तो दिल्ली वाले ट्रैफिक से तो बच जाएंगे, लेकिन मौसम का यही रुख कल भी रहने वाला है। और चलिए अब बात केरल की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड में 15 लोगों की मौत हो गई। इडुक्की और कोट्टायम में कई जगहों पर जमीन खिसकने की घटना सामने आई है। पंबा नदी में खतरनाक स्तर पर जल स्तर पहुंच गया है। त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने भगवान अयप्पा के भक्तों से सबरीमाला मंदिर ना जाने की अपील की है। मौसम विभाग में पठान मतिट्ठा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा 7 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अल्लापुझा, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केरल में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद हैं? इस वक्त स्थिति कैसी है और रेस्क्यू का काम कैसा चल रहा है? हम इस समय इडुक्की जिले में है। दो जिले जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो उनमें से एक था कोट्टायम और दूसरा इडुक्की। और इडुक्की की तस्वीर अगर मैं दिखाऊंगा, ये देख करके दरअसल दिल दहलाने वाली है। पीछे पूरा जो मलबा है कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, पहाड़ से सब कुछ मानिए जैसे धराशायी हो गया हो। शुक्रवार शाम से बरसात शुरू हुई और शनिवार को सुबह सब कुछ कुछ सेकंडों में ये पूरा मलबा नीचे आ गया। अकेले 6 लोगों के शव यहीं से बरामद हुए हैं। SDRF, पुलिस, क्विक रिस्पांस टीम, इन सब की ओर से बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑटो रिक्शा देख पा रहे हैं, ये यहां से निकला है। पीछे पहाड़ का जो हिस्सा है वहां पर कई लोगों के घर थे, ये ऊपर जाने वाला पूरा रास्ता था। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह मलबा आएगा तो आखिर जो कोई भी यहाँ होगा वो किस हाल में होगा। सब कुछ मलबे के नीचे, जान माल, दुकान मकान सब कुछ आ गए। और इतना ही नहीं, ये मौसम की जो लुकाछिपी है वो बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि रुक रुक के अगर बरसात होती रहेगी तो ऊपर मलबा कच्चा है, वहां से पहाड़ और भी दरकेंगे। और नीचे की तस्वीर दिखाएं, बड़ी संख्या में JCB मशीनें लगाई गई हैं। प्राथमिकता ये है कि कई लोग अभी भी लापता हैं, उन लापता लोगों के बारे में जानकारी मिल सके और अगर कोई मलबे में दबा हो तो उसे कम से कम सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन इन सब के बीच मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ और कई सारे दूसरे इलाकों में या तो ऐसी ही लैंडस्लाइड है या फिर जो गांव एक दूसरे जिलों को जोड़ने वाले थे वहां की सड़कें टूट चुकी हैं, वो एक दूसरे से कट हो चुके हैं। तो अब बड़ी चुनौती है कि राहत और आपदा में जो बचाव कार्य है उसको लेकर के वहां कैसे पहुंचा जाए। मनिका जी, आशुतोष, और ये भी बताइए कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और कहां पर लोगों को लेकर जाया जा रहा है?
जो निचले लो लाइन इलाके जिनको हम कहते हैं, जहां पर पानी का स्तर बढ़ा था, बहुत लोगों के घर हैं जो प्रवाह का शिकार बन गए। तो जितने नजदीकी सरकारी स्कूल हैं वहां ले जाया गया ताकि उनको वहां पर रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं, खाना पीना वो मुहैया कराया जा रहा है। अब दूसरी एक बड़ी चुनौती है कि पूरे इलाके में बिजली ठप है, तो उसके लिए जो SDRF की क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो लगी हुई है, बिजली विभाग लगा हुआ है कि कुछ कुछ इलाकों में बिजली रिस्टोर कर दी जाए। ज्यादातर जो इलाके थे उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, लेकिन अभी जैसे हम जहां पर खड़े हैं आसपास ये जो पूरा इलाका है ये अभी भी खतरे में है। बरसात और तेज हुई है, मलबा पूरा नीचे आ चुका है, न जाने कितने घर और भी चपेट में आ सकते हैं। तो बड़ी चुनौती ये भी है कि जो प्रशासन के आप देख पा रहे हैं, IG से लेकर के SP DM जो भी बड़े अधिकारी वो खुद आए हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग अभी भी इन इलाकों में हैं जहां फिर से घटना अगर बढ़ती है तो जानमाल का नुकसान ना हो, उनसे अपील भी की जा रही है कि साथ में वो खाली करके चले जाएं। ज्यादातर लोग यहां से निकाले जा चुके हैं लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं, और वो इस वजह से भी कि अगर नदी के दूसरी तरफ आप देखें कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां भी बैठे हैं, यकीन नहीं होता ये देख करके कि नदी का पानी 40-50 फीट ऊपर तक चला जाएगा। नदी के दूसरे पार अगर देख पा रहे हो तस्वीरों में, ये जो पेड़ पौधे हैं सब कुछ यहीं से नहीं आए हैं, ये पीछे कई किलोमीटर पीछे से आए हैं, और अगर इतने बड़े दरख्त आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पानी का प्रवाह कितना होगा, कितनी शक्ति रही होगी उसमें, और इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में बेहद अहम और मुश्किल भी हो जाता है। एक एक करके इन जड़ों को निकालना, पेड़ पौधे हैं, न जाने लोग भी हैं, तो कोशिश ये भी है कि अगर कोई दबा हुआ है तो उसे समय रहते निकाला जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मैं जो कह रहा हूं, यहां मौसम बन रहा है, जैसे बारिश तेज होती है मलबा फिर नीचे गिरने का डर होता है, और साथ ही नदी में जलस्तर ना बढ़ जाए, इन सब चुनौतियों के बीच तमाम एजेंसियां यहां जानमाल बचाने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। बिल्कुल आशुतोष, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनको देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही होंगी। बाढ़ और बारिश से इतनी बड़ी मुसीबत केरल में आ गई है, आगे मौसम विभाग की प्रेडिक्शन क्या कहती है, क्या मुश्किल कम होगी या बढ़ेगी? जो रेड अलर्ट था वो लगभग अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में है, जिसमें इडुक्की भी है और साथ ही कोट्टयम है और आसपास के दूसरे जिले हैं। इसमें बरसात हो सकती है, यानी ज्यादा से गंभीर जो तेज बारिश है उसकी संभावना जताई गई है, लेकिन अब ये स्थिति ये नहीं हो सकती कि जो नदी है उसका पानी फिर से पिछले स्तर तक बढ़ जाए, तो यहाँ तो राहत है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे पश्चिमी घाट, खासकर ऐसी तस्वीरें जहां आपको देखने को मिलती है, अगर यहां बरसात तेज होती है तब राहत और बचाव कार्य मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मलबा नीचे आने लगेगा, पानी के साथ दरख्त नीचे गिरने लगेंगे, और आगे जो घर हैं, लोग बसे हुए हैं, आबादी है, उन पर फिर खतरा हो सकता है। तो अब उस तरह के अलर्ट की स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी जिस तरह का ऑरेंज अलर्ट है और जिस तरह का येलो अलर्ट कुछ इलाकों में है, वहां राहत बचाव कार्य के साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि समय रहते लोगों को चेतावनी दी जा सके, वहां से इवैक्यूएशन हो सके। और इतना ही नहीं, आसपास के जितने स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, चर्च हैं, बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, NGO हैं, वो सब मिलकर के सामने आए हैं कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं प्रभावित इलाकों में उन तक मदद पहुंच सके, उन तक खाना पहुंच सके, और जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था यहां पर रिस्टोर हो सके। शुक्रिया आशुतोष तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो केरल में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उन्हें बेहद सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिशन यूपी की, जहां चुनाव से पहले अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया और कहा यूपी को योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। जो आज बिजली उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, घरों तक पहुंच रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम किया था। ये सरकार बताए कि ट्रांसमिशन में कितना काम किया है, और जो अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो करना छोड़ें। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और जो किसान अपनी मांग करे तो उसमें टायर चढ़ा देंगे। कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार हैं, नौजवान को नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेंगे? महंगाई को लेकर के ये दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा, लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के
और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तमाम पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। गांधी परिवार पर बीजेपी के हमलों की भी बौछार जारी है। एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में एक ही परिवार का विकास होता था लेकिन मोदी राज में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी, वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया टूट दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे, नारा जो 14 में नारा बना था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं हुआ, अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। परिवारवाद के सवाल पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर तीखे हमले किए थे जब वो अंडमान निकोबार के दौरे पर थे। नेताजी को उनके जीवन को जब भी देखते हैं तो हमें हमेशा महसूस होता है कि नेताजी के साथ अन्याय हुआ। आजादी के आंदोलन के इतिहास का एक तेजस्वी तारा, ध्रुव तारा, आज जब बच्चे इतिहास पढ़ते हैं और उसको देखते हैं तो मुझे लगता है जितना महत्व नेताजी को मिलना चाहिए उतना महत्व शायद नेताजी को नहीं मिला। सालों तक देश के अंदर आजादी के कई जाने माने नेताओं को, उनके योगदान को छोटा करने का भी प्रयास किया है, मगर अब समय आ गया है कि सभी को इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए। जिन द्वीपों का पुनः नामकरण किया गया, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, कभी इन लोगों को विचार ही नहीं आया, कभी विचार नहीं। गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, महात्मा गांधी नहीं भैया, आप गलत मत समझते, उनका भी नाम तो नहीं बोलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में आतंकी हमले का गुस्सा T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान वाले मैच पर भी भड़का है। पंजाब के मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह और आतंकी हमले के पीड़ित ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते का विरोध किया है। तो रोक देना चाहिए, कैसा ऐसा ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मर जाएगा, बिहारिया को मार रहा है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं खेल भावना की वो समझता हूँ, उसके कुछ हालात होते हैं। जब ऐसे हालात होंगे कि हमारी एक तरफ तो नौजवानों की शहादत हुई है और दूसरी तरफ हम खेलने जाएं, इसको क्लब नहीं किया जा सकता। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। अगर हम इधर को चले जाएंगे तो मैं फिर वही दोहराता हूँ, इतने पैसे जितने पैसे हम हथियारों पे लगाते हैं या वो हथियारों पे लगाते हैं, हम बच्चों की भलाई के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, उनको आगे बढ़ने में लगाएं तो मेरा ख्याल है हमारा देश और खुशहाल होगा।
खबर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प की खबर है। अन्नपूर्णा इलाके में मूर्ति विसर्जन के बाद कुछ लोगों ने दूसरे गुट पर बमबारी की, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। दुर्गापुर में विसर्जन के बाद बमबारी की घटना हुई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और इस घटना में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए, बांग्लादेश में जिस ढंग से परिकल्पित तरीका से दुर्गा पूजा पर हमला हुआ, एक नहीं कोई स्थान पर हुआ, एक साजिश था। उस साजिश को हमारा पश्चिम बंगाल में साकार करने का कोशिश कुछ मौलवादी लोग कर रहे हैं, और दुर्गापुर का घटना इसी का ही एक ताजा नतीजा है। इसीलिए देखिए, सबको सचेत रहना चाहिए, सरकार को भी सचेत रहना चाहिए, और ऐसा सांप्रदायिक हमला या बांग्लादेश का कोई हमला का प्रभाव या बांग्लादेश का कोई हमला का साजिश इधर कामयाब ना हो, इसके लिए सारे लोगों को, जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं, सरकार से भी अपील करना चाहता हूं, जो शांति बनाए रखने के लिए जो कदम उठाना चाहिए उठाना चाहिए। कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकियों की टारगेट किलिंग खत्म नहीं हो रही। एक बार फिर आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। एक ही दिन में बिहार के गोलगप्पे वाले और यूपी के मजदूर की हत्या कर दी गई। डबल टारगेट किलिंग से कश्मीर फिर दहल गया। आतंकियों ने फिर से गैर कश्मीरी बेगुनाहों को निशाना बनाया। कुछ ही वक्त के फासले में आतंकियों ने श्रीनगर और पुलवामा में 2 लोगों को मार डाला। पहली वारदात श्रीनगर के ईदगाह इलाके की है, जहां आतंकियों ने बिहार के गोलगप्पे वाले को पास से गोली मार दी। 30 साल का अरविंद कुमार साह उस वक्त रेहड़ी चला रहा था। हत्या के बाद से अरविंद के गांव बांका के पड़घड़ी में मातम पसरा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि उसका बेटा नहीं है। भाई आतंकियों के कायराना करतूत पर तमतमाया हुआ है। गुलगप्पा बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम कहलाता था, वही कमा का भेजता है। हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब क्या कहेंगे? मैंने कमाई धमाई उन्हीं का, उन्हीं के बदौलत घर का खर्च चलता है। खर्च चलता है। 5 महीने पहले मरा है पत्नी इनका यहाँ। अच्छा। दूसरी वारदात कुछ ही देर बाद श्रीनगर से 148 किलोमीटर दूर पुलवामा में घटी। आतंकियों ने दुकान के बाहर बैठे मजदूरों में से एक को गोली मार दी। सहारनपुर के रहने वाले सागिर अहमद की मौके पर ही मौत हो गई। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है, उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम लोग नहीं किए थे, नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इसमें इन्वॉल्व थे, उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुलटा बोलने के, बोलते रहता है लोग। बिल्कुल हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था, तो कॉर्बेटर वही होगा जो साथ देता। यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट है, ये 5 मिलकर काम करता था अटैक करने में, तो बाकी लोग आइडेंटिफाई कर लिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में तेजी आई है। आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 11 दिनों में 3 बड़े आतंकी हमले हुए। 7 अक्टूबर को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में 2 स्कूल टीचर की हत्या हुई। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर दोनों को पास से गोली मार दी। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में ही जाने माने फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की मेडिकल स्टोर में घुसकर हत्या कर दी गई। 68 साल के बिंद्रू उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने 90 के दशक में भी कश्मीर नहीं छोड़ा था। 5 अक्टूबर को ही बिंद्रू की हत्या के 1 घंटे बाद अवंतीपोरा में आतंकियों ने गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले वीरेंद्र पासवान को मार डाला।
कश्मीर में डबल टारगेट किलिंग पर देश भर में गम और गुस्सा है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा भी उबाल पर है। ये जो है पाकिस्तानी जो कायरता है उसका सबसे निम्न स्तर है। पुलवामा उन्होंने किया तो उनके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी के बाद हुआ, और उनकी अब हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की, वो सीधे तौर पर हमारी सेना के साथ, हमारी सुरक्षा बलों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लड़ सके, ये उनकी डेस्परेशन है। और मैं पूरा, मुझे यकीन है कि इसका बदला लिया जाएगा। आप देखेंगे जल्दी ही जो है इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे पहले भी एक दर्जन से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, जिसमें मिलिट्री के भी हमारे जवान शामिल हैं। मैं इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूँ। जम्मू कश्मीर से 370 के हटने और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ी है। टारगेट किलिंग, बाहरी और कश्मीरी पंडितों पर हमले इसी का नतीजा है। कश्मीर में अल्पसंख्यक पहली बार निशाने पर हैं, लेकिन अगर गैर राज्यों या बाहर के लोगों की बात करें तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद अगस्त 2019 में भी गैर राज्य के रहने वाले लोगों को कश्मीर में निशाना बनाया गया था, जब कई सारे ड्राइवरों और कई सारे कामगारों की जो हत्याएं हुई थी, लेकिन उस पर किसी हद तक अंकुश तो पाया गया था। लेकिन एक बार फिर कश्मीर में इस तरह से हो रही टारगेट किलिंग्स ने सुरक्षा चिंताएं एक बार फिर बढ़ा दी हैं। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। और अब खबर पुणे से। पुणे में तलवारबाजी के मुकाबले के दौरान एक शख्स के कारनामे को देख सबने दांतों तले उंगली दबा ली। इस शख्स ने 42 किलो की तलवार को अपने दांतों से उठा लिया। 250 साल पहले ये तलवार मराठा सरदार महिपतराव और रामराव फांसे ने भेंट की थी। तभी से दशहरे के अगले दिन यहाँ इस तरह का अनूठा मुकाबला होता है।